हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में अफसर और कर्मचारी नजर आएंगे यूनिफॉर्म में। संभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश। सरकारी दफ्तरों और विभागों में अब अफसर और कर्मचारी निर्धारित वर्दी में काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए संभाग के आयुक्त समित शर्मा ने आदेश जारी किया है। संभाग के आयुक्त ने शासन तंत्र और लोक सेवाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहनने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, पद पहचान, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्यूटी समय में उन अधिकारी कर्मचारियों को वर्दी धारण करना आवश्यक है जिनके लिए वर्दी निर्धारित की गई है। वर्दी धारण करने से कर्मचारी अधिकारी के पद की पहचान होगी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। शर्मा ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्यालय और फील्ड में ड्यूटी समय के दौरान निर्धारित गणवेश धारण करने से अधिकारियों और कर्मचारियों की आम जन में पद पहचान होने के साथ साथ ही आम जन को अपने कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करने में भी आसानी होती है। राजकार्य सुचारू रूप से होता है और पारदर्शिता भी बढ़ती है। सभी संबंधित नियंत्रक अधिकारी वर्दी पहनने की पालना सुनिश्चित कर इस संबंध में अनुशासनहीनता बरती जाने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध वांछित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी के लिए वर्दी भत्ते का नगद भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा वर्दी धारण नहीं किए जाने की अवस्था में वर्दी भत्ते की राशि नियम अनुसार वसूल करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।